डेरा सच्चा सौदा अते कांग्रेस पार्टी दे वल्लों बीते दिनी दो प्रेस कॉन्फ्रेंसां कीतीआं गईआं सन जिन्हां विच श्रोमणी अकाली दल कटहरे दे विच खड़दा दिखाई दे रहा सी अते इल्जाम लगाए जा रहे सन कि डेरा सिरसा तों वोटां लैण दे लई श्रोमणी अकाली दल ने डेरा मुखी नूं माफ़ी दवा दित्ती पर उस तों बाद श्रोमणी अकाली दल कांग्रेस पार्टी अते डेरा सिरसा दे खिलाफ खुल के सामने आया है अते बड़का मारदा दिखाई दे रहा है। श्रोमणी अकाली दल दे लीडरां दा कहना है कि 3.5 सालां विच कांग्रेस पार्टी दी सरकार कुछ भी साबित नहीं कर सकी है अते इसलिए हुण डेरा सिरसा नूं मोहरा बना के श्रोमणी अकाली दल नूं कांग्रेस पार्टी बदनाम करदियां साजिशां कर रही है पर उह इस दे विच कामयाब नहीं होणगे क्योंकि सच लोकां दे सामने आ चुक्या है। किस तरह डेरा सिरसा अते कांग्रेस पार्टी दी सरकार दे खिलाफ श्रोमणी अकाली दल ने बड़क मारी है तुसीं खुद ही देख लो। 3.5 साल सरकार बनी नूं हो गए, सिट बनी हुई है, अज तक कोई भी चीज़ वो साबित नहीं कर सके जो ये कांड होया सी दहवल जा दूसरा कुछ भी उसते कोई चीज़ वो प्रूफ नहीं कर सके। हुण उसने सच्चे सौदे तो मोहरा बना के जो कल झूठ बुलवाया, पहला तो जो टीवी तो बीबी ने झूठ बोलिया किसी अफसर का नाँ लैके पुरानी स्टेटमेंट का, उस अफसर ने भी उस वेले कंडेम करता। एदू वड्डा होर साबित की हो सकता है कि डेरे का नॉमिनी बना के कांग्रेस ने अपनी उत्थे बीबी बिठाई और जो कॉन्फ्रेंस से पिछे पहला वह सपोर्ट करने वास्ते वह कॉन्फ्रेंस अकाली दल बदनाम कराई। इस करके पहला पॉइंट यह है कि वह सारा फ्रस्ट्रेशन का नतीजा है। होर कांग्रेस कुछ भी अज तक साबित नहीं कर सकी, क्यों? क्योंकि जेडे 3.5 साल है जो कांग्रेस ने वादे किए सी उच एक भी वादा तो एक 0.1% भी वो कर नहीं सकी। कहता अमरिंदर सो मैं 73 वादे पूरे करते, पता 73% पर मैं तो लगता है 4-5 वड्डियां गल्लां सी उन्हें तो एक भी नहीं कर सकिया। इस करके वो कांग्रेस पार्टी जिस कांग्रेस पार्टी ने हरिमंदर साहब ते हमले किए ने और दिल्ली के कतलाम किए ने, वो पार्टी अकाली दल कह दी है कि असी कदे कोई धर्म के खिलाफ गल कर लाँगे और धर्म की राखी बनी है जिसने दुनिया के बिच एक ऐसा धर्म जिहड़ा सरबत दे भले वाला है उस जगह पर हरिमंदर साहब पर हमला करता, अज वो पार्टी साढ़े पर अटैक कर दी। ये सारा जो है फ्रस्ट्रेशन का कांग्रेस का नतीजा है क्योंकि टोटल फेल हो चुकी है। लोगों जान जोगरी नहीं, एक नहीं अनेक जिन्हिया गल्लां ने हर एक तो एक फेल हुई है। इस करके असी समझते हैं कि जी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस सी वो सारी झूठी तो कांग्रेस की फेल्यूर लुकाने वास्ते। अज जरा सुनील जाखड़ जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आ, इन्होंने 2-3 गल्लां साबित करतीआं। पहली गल तो आ कि जाखड़ साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दे विच उन्हां वल्लों कीती बयानबाजी दे विच यह साबित हो गया कि कांग्रेस पार्टी जां कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार बेअदबी के मामले के अकाली दल को दोषी ठहराने दे विच पूरी तरह नाकाम रही आ। कोई ब्लेम साबित नहीं कर सकी रिकॉर्ड से, तो हुण जिवें पाड़ ते फसिया चोर आवागमन गल्लां करदा हवा च तीर मारदा, अज कांग्रेस के प्रधान की ब्याजबाजी तो स्पष्ट हो रहा सी कि 3.5 सालां के समय के उन्होंने जिहड़ियां सिट बिठाई जा उन्होंने कोई कमीशन बिठाए वह बेअदबी के मामले में अकाली दल को किसी तरह भी दोषी नहीं ठहरा पाए। हुण उन्होंने एक बहुत नीवी पद्धर की राजनीति मैं कह सकदा, हेठली पद्धर की राजनीति मैं कह सकदा, अज जिहड़ी गेम कांग्रेस ने खेडी आ वह केवल अपनियां राशी रोटियां सेकण लई डेरा सरसे वालिया नूं मोहरा बना के आपदी तिकड़मबाजी नाल यह जिहड़ी नमोशी कह लो, नाकामियां कह लो, फेल्यूर कह लो, नलायकियां कह लो, जां पंजाब दे लोगां विच उठ रहा गुस्सा केवल आम लोगों विच ही नहीं बल्कि कांग्रेसियां अंदर भी उठ रहा गुस्सा जिहड़ा उन्हां मूंह मोड़न लई एक बहुत वड्डी पोलिटिकल साजिश है, चाल आ कि डेरा सरसा नूं ओह अपने पोलिटिकल परपज लई किवें वरत्या उन्होंने। खास तौर पर आ 2-3 दिन दीआं जिहड़ियां घटनावां ने पिछले 2 दिन दीआं जिस तरह मतलब
सर्कस दे विच कह लो, फिल्म दे विच कह लो, एक्टर बदल बदल के रोल करते ने। डेरा सरसा वालिया नू मतलब इस तरह कांग्रेस ने डरा के भी ललचा के भी इस तरह वरतन की कोशिश की, अपना पोलिटिकल परपज हल कर ली। सारिया स्थितियां घिरी हुई कांग्रेस ने जिहड़ा ये नवा खेखण कहा किया, नवी ड्रामेबाजी की, होछी ते नीवी पद्धर की राजनीति की, इहदा श्रोमणी अकाली दल लाजमी तौर पर जवाब लेगा और पंजाब के लोगों को कांग्रेस को कटहरे च खड़े करके ये सारे सच जिहड़े ने वो सामने दसण लई मजबूर करेगा कि ये ड्रामेबाजी शोशेबाजी के सहारे पहला राज सत्ता हासिल कर ली झूठ बोल के, ते हुण साढ़े तीन साल राज सत्ता हंडा ली, ते हुण बहुत हेठले पद्धर से राजनीति च आई आ, ते इस तरह दीआं गल्लां जिहड़ीआं इहदा जवाब कांग्रेस तों पंजाब दे लोक लैणगे। और श्रोमणी अकाली दल इस गल नूं बहुत ही स्पष्ट आ कि कांग्रेस की यह जिहड़ा झूठ फड़िया गया, कांग्रेस दे जिहड़ी आ तिकड़मबाजी की नीवी पद्धर की राजनीति ये जग जाहर हो गई। हुण ये ड्रामेबाजी काट दी हांडी एक बारी चढ़दी बार बार नहीं चढ़ती, हुण ये ड्रामेबाजी शोशेबाजी जिहड़ी है इहदा युग खत्म हो गया, इस गल का सानू पूरा विश्वास। मैं तुहाडे नाल तीन चार गल्लां सांझियां करनियां चाहुंदा, जो कुछ अज सुनील जाखड़ ने कहा वो एक बुखलाहट का नतीजा, वो एक फेलर नू कवर अप करन दा नतीजा है। तो सब तो वड्डी गल जिहड़ी इहदे विच साबत आई है कि सरसे डेरे नाल इहनां दी यारी नंगी हो गई है। हुण पुछोगे यारी किवें नंगी हो गई है, बेदबियां गुरु साहब की बेदबी के इस तरह का गंभीर मसला है कि जिहदे ते घटिया राजनीति किसी नूं नहीं सी करनी चाहीदी। सर सुखबीर सिंह बादल प्रधान श्रोमणी अकाली दल ने पब्लिकली कहा कि जिन्हें बेदबी की उहदा कख ना रहे, जिन्हें करवाई उहदा कख ना रहे, जिहड़ा उहदे ते पॉलिटिक्स करे उहदा कख ना रहे। उदों बाद हुण जो दस्सिया मेरे दोनों साथियों ने यह घटिया राजनीति दे क्यों आए, तो जिहड़ी प्रैस कॉन्फ्रेंस कल करवाई गई उहदा मकसद की सी, वह क्यों करवाई गई। अज सुनील जाखड़ ये कहिंदे ने नाल सुखजिंदर रंधावा, मैं हैरान हाँ कि छज तां बोले छाननी भी बोले। सुखजिंदर सिंह रंधावा का फादर जब कांग्रेस का प्रधान से ऑपरेशन ब्लू स्टार नूं वेलकम करे, अज सुखजिंदर सिंह रंधावा पंथ की गल करे, गुरु साहब के सत्कार की गल करे, जिन्होंने 1600 गुरु साहब के सरूप 1984 अगन भेट किए, वो परिवार अज गुरु साहब के अदब के सत्कार की गल करे। तो सुनील जाखड़ दे ते जिवें इन्हां दे परिवार के जो कंडक्ट आ सारिआं नूं पता, किसी तो लुकया नहीं होया। मैं एक गल जरूर कहनी चाहुंदा कि उन्होंने कहने की कोशिश की, तो प्रैस कॉन्फ्रेंस भी आया जी वीडियो वायरल हुई कि जी 2017 असी श्रोमणी अकाली दल की मदद की डेरे वाले ने, यही गल कहनी चाहुंदा ना वो जी सुनील जाखड़ प्रोजेक्ट करनी चाहुंदा है। पहला तो मैं पूछदा सुनील जाखड़ जी ने, उन्होंने कहा 2007 असी कांग्रेस की की, क्या ना क्या, फिर 2017 वो कहिंदे आ कि कांग्रेस असी अकाली दल की की। मैं एको सवाल पूछदा सुनील जाखड़ जी, मौड़ मंडी विच उन्होंने बाबे दे कुड़म की मदद नहीं की, उन्होंने राजा वड़िंग जिन्हों अकाल तख्त साहब से तलब किया गया डेरे तो मदद लैण लई उहदी मदद नहीं की, उन्होंने बीबी रजिंदर कौर भट्ठल श्री अकाल तख्त साहब से बुलाई कि तू डेरे तो मदद लई, वो गल सच्ची नहीं। फाइनैंस मिनिस्टर का मुंडा तो ब्रदर इन लॉ बुलाए गए, केवल सिंह ढिल्लों बुलाए गए, 11 कांग्रेसी बुलाए गए, असी अकालिया चो जिन्होंने इंडिविजुअली अकाली दल ने कदे सपोर्ट नहीं ली डेरे की। मैं तुहाडे एक गल बिल्कुल स्पष्ट गल कहनी चाहुंदा, कुछ इंडिविजुअल अकाली कैंडीडेट्स ने लई अकाली दल दे कैंडीडेट्स ने अकाल तख्त साहब से पेश होके अपनी पश्चाताप भी किया, जो अकाल तख्त वालों सेवा लाई गई हो गई। कि सुनील जाखड़ इस गल का जवाब देणगे कि जिहड़े उन्होंने 11 बंदे उत्थे अकाल तख्त साहब से पेश हो उन्होंने सेवा प्रवान की, उन्होंने सेवा क्यों ना निभाई, जद वह इस गल का जुर्म इकबाल करके कि असी डेरे की मदद ली है तो उत्थे पेश होए ने, उदू बाद सजा लैन क्यों नहीं गए। दूसरी गल, जे कांग्रेस इन्नी ही साफ सुथरी है तो जिहड़ा इन्हां दा कैंडीडेट है बाबा जी का कोड़म है, उन्होंने बठिंडे भी टिकट दी, 22 इलैक्शन तलवंडी साबो तो भी टिकट दी, हुण इत्थों मौड़ तो भी दी। असल च गल की है कि यह डेरा तो कांग्रेस हुण कट्ठी होगी अकाली दल नूं घेरन लई,
उन्होंने बुलाते ने पर बोलन लगे जेडे देखते हैं वो ये समझते नहीं गए कि इस गल च फसना कांग्रेस ने है इस गल च फसना उन्होंने लोगों ने जेडे उन्होंने बचाने की कोशिश करते हैं। मैं अज इत प्रेस के सामने कहने बिल्कुल नहीं झिझकूंगा यह समा आऊगा तो जब पता लगेगा कि यह किवें गिणी मिथी साजिश करके ये बेदबी का ड्रामा करके मगरों डेरे सरसे वाले क्लीन चिट भी दवाएंगे। 2022 दे प्रैपरेशन है जो सुनील जाखड़ नहीं कर रहे हैं।